अस्सलाम वालेकुम, मिस मी रिजवाना, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टू फ्लेवर। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। रोज़ का एक नया मसला होता है हर घर में। सुबह उठते ही पहला सवाल, बच्चे स्कूल से आए तो भी पहला सवाल, आज क्या बना है, आज क्या पकेगा। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं साबुत मसूर का पुलाव, जो कि बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छा होता है। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। आते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे 450 ग्राम राइस हैं, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले सोक कर लिया है। 200 ग्राम मेरे पास साबुत मसूर है, जिन्हें मैंने 15 मिनट्स के लिए सॉल्ट डाल के हाफ डन कर लिया है। 1 स्लाइस्ड अनियन है, 1/2 कप मेरे पास योगर्ट है व्हिप्ड, 1/2 कप ऑयल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़े से जिंजर जूलियंस हैं, बे लीफ 1, सिनेमन स्टिक्स और क्लोव्स और होल ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, ह्यूमन चीज। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पैन रख दें चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लें, पैन को ड्राई कर लें और ऐड कर दें ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्लाइस्ड अनियंस। अच्छा, इस रेसिपी में आपको ऑनियंस को हल्का ब्राउन करना है, ताकि कैरेमलाइज कलर जो अनियंस का आएगा उसकी वजह से आपके पुलाव की लुक बहुत अच्छी आती है। जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम ऐड करेंगे इसमें क्यूमन सीड्स, होल स्पाइसेस, चिलीज और जिंजर जूलियंस। ये हल्का सा क्रंच देते हैं जब बाइट्स में आते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से स्टर फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आ गया है ग्रेवी में। प्याज को कॉन्स्टेंटली आप घुमाते रहिएगा, वरना कलर ख़राब हो जाएगा पुलाव का। अब हम ऐड करेंगे इस मोमेंट पे साबुत मसूर, जिन्हें हमने पहले ही हाफ डन कर लिया था। इनको बॉईल करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ना गल जाए, वरना इसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी और मशी से अच्छे नहीं लगते। अब आप 5 मिनट के लिए इसको भूनें लो मीडियम फ्लेम पे। अब ये भुन चुके हैं, अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी आप और अपने राइस की क्वालिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी ले रही हूँ और हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। अब लेट इट बॉयल फॉर 5 मिनट्स, इसके बाद हम राइस ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप अगर यखनी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप क्यूब्स ऐड करना चाहें चिकन के तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे ये सिंपल ही अच्छा लगता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और पानी के खुश्क होने के बाद इसे दम पर लगाएंगे। चलें अब हम चेक करेंगे, चावल अच्छे से दम हो गए हैं। आप देख सकते हैं खिले खिले से चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ बॉयल्ड एग्स और टमाटर के साथ। टोटली ऑप्शनल है, आप फ्राइड अनियन के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।